सरगुजा में दो दिन तक चली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दो अहम मुद्दे निकलकर सामने आए। पहला ये कि पार्टी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी और दूसरा अब पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि सीएम का चेहरा आलाकमान तय करेगा। और जिन नेताओं को इस दौड़ में माना जा रहा था उनके भी बयान सामने आ गए। सीएम का चेहरा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगी, परंतु एक एक कार्यकर्ता कमल का चिन्ह लेकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी मेरा जितना करेगी मैं उतना ही घूमूंगा। भाई बहन चेहरा ऐसा कोई चेहरा नहीं रहता। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले तीन बार से डॉक्टर रमन सिंह ही चेहरा हुआ करते थे, लेकिन 2018 में मिली करारी हार के बाद अब पार्टी ने तय किया है कि वो बगैर चेहरे के ही मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कार्य समिति की बैठक में भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई, तो बैठक में टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर भी खूब चर्चा हुई। सरगुजा टीएस का गढ़ है तो जाहिर है चर्चा तो होना ही है। टीएस सिंहदेव लगातार बयान दे रहे हैं कि वो अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं, लेकिन वो ये भी साफ कर चुके हैं कि वो ना तो बीजेपी में जाएंगे ना ही कोई नई पार्टी बनाएंगे। टीएस के इन बयानों पर बीजेपी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जन के जन आक्रोश के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, उनमें हमारे अंबिकापुर के विधायक ही है टीएस सिंहदेव जी। हम यहाँ बेहतर स्थिति में पहले भी रहे, पिछले बार झूठा वादा करके भूपेश सरकार में आए थे, अब वो बेनकाब हो गए हैं, सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। चलो वादा सरगुजा का जितना अपमान हुआ है कहीं का नहीं हुआ है। अभी बीजेपी में हम बुलाए च नहीं है यार, आएंगे तो भले स्वागत कर लेंगे, वो अपने खुद बयान देते हैं तो हम क्या करेंगे। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि सरगुजा वालों को उनके अपमान का बदला लेना चाहिए इस राज क्षेत्र के लोगों का। कुल मिलाकर बीजेपी उत्तर छत्तीसगढ़ में वापसी की कोशिश कर रही है और टीएस सिंहदेव के इस बयान में बीजेपी खुद के लिए अवसर तलाश रही है। इस अवसर को उपलब्धि में बदलने के लिए जो सावधानी और नीति चाहिए वो बीजेपी अमल में ला पाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में समझ आएगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।